कहाँ जाना बताओ, ऊपर चलना है, ऊपर चलो ऊपर, आज आपको ना अच्छी लोकेशन पे ले चलेंगे बढ़िया, बिल्कुल खाली रोड मिलेगा जहाँ पे आप किलोमीटर जाएंगे ऊपर। तो गाइस अगर हम स्टार्ट करते हैं नोमिनार में, अभी जो फिलहाल अभी चेंज हुए हैं वो देख सकते हो, अभी वाइजर है, ये वाइजर जो है यहाँ से चेंज कर दिया गया है। जो पहले वाइजर आता था वो नॉर्मल आपको यहाँ तक मिलता था, बट अभी जो वाइजर है ये आपको ऊपर तक मिल गया, ताकि जो हवा है वो इसके ऊपर से होके जाए। बिकॉज अभी हमने इसको चला के देखा है तो जो फील आई है, जो हवा है वो बिल्कुल भी यहाँ से ऊपर होके जाएगी, जिससे जो स्पीड होती है उसको ज़्यादा हेल्प मिलती है बाइक को इंक्रीज करने में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैंडल गार्ड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं दोनों ही जगह। बाकी इसका एक कलर और है जो शोरूम में है, ग्रीन कलर, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी जाने के बाद में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको LED मिल जाती है, ये अभी ऑन है, इसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
ऑन करो एक बार। तो आप ये देख सकते हो, ये दोनों के दोनों ये चेंजेस देख रहे हो आप। तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अभी हमने इसको चला के देखा है तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं पावर, तो मतलब गजब जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपको अप्स डाउन फोक मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो है ग्रिप देख रहे हो आप, ग्रिप टायर की, तो ग्रिप काफ़ी चौड़े टायर हैं अगर आप ऐसे रोड पे भी चला रहे हो, क्योंकि ये रोड देख रहे हो आप, इस रोड पे पूरे पे कंकर कंकर है और हमने इसको इसने भगा के देखा है, बट कहीं पे भी जिसे बोलते हैं ना रिपटी नहीं है, स्केट वगैरह नहीं आया, क्योंकि ABS है, डुअल चैनल ABS मिलता है आपको। तो ABS आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेग गार्ड जो है ये पहले से बेटर कर दिया गया है, जो पूरा आपका कोलेंट है ये पूरा कवर कर रहा है, टू पीस है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे इस साइड आप देखोगे तो जो पहले जो यहाँ पे आपको इंजन कवर मिलता था ये भी आपको टू पीस में कर दिया गया है, ये पहले फाइबर में आता था, दोनों आपको उस साइड में फाइबर मिलता है, यहाँ पे मेटल आपको मिलता है ये। उसके बाद यहाँ पे इंजन आपका पहले सेम है, जो पहले आपको मिलता था वही सेम इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड इधर आप पीछे आओगे तो यहाँ देख सकते हो इस तरह का आपको मिलता है, इस सेम आपको साइलेंसर मिल जाता है, इसका साउंड मैं आपको सुना दूंगा। इधर आप थोड़ा सा इधर आओगे तो यहाँ पे आपको जो है देख सकते हो ये ABS दिया गया, ये आपको व्हील्स मिल जाते हैं, एलॉय व्हील यहाँ पे दिए गए हैं, ये ABS, एंड ये आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, देख सकते हो आप। टायर साइज की बात करें तो आपको ये 150/60 का आपको टायर मिल जाता है, 8/7 का। एंड ग्रिप आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टेल लाइट है, LED टेल लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको डोमिनार लिखा हुआ है, एंड ये टेल लाइट आप देख सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रैब रील है इसकी, जो ग्रिप्स है ये पहले से बेटर कर दी गई है, बिकॉज कई लोग चाहते थे कि भी हम इस बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा दूर लेके जाएं और ट्रिप वगैरह पे लेके जाएं, तो उन्हें अलग से लगवाना पड़ता था, और अभी कंपनी अलग से आपको लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद लगा के दे रही है, ताकि अगर आप टूर वगैरह पे जा रहे हो, लेह लद्दाख वगैरह कहीं जा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत ना, अलग से आपको लगवाना ना पड़े। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं, अगर आप एडिशनली बाहर से लगवाते थे तो आपको 10,000 से 12,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे, बट अभी कंपनी अराउंड 7,000 रुपीज़ इंक्रीज किया है, और उसी प्राइस रेंज पे आपको ये सारी चीज़ें बाइक में इंक्लूड करके ऑलरेडी दे रहा है, देख सकते हो। बाइक ने पहले से ही ज़्यादा जो है काम कर दिया गया, ताकि जो आपको ग्रिप है वो अच्छी मिले, बॉडी जो है स्ट्रांग कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे का पूरा जो है ये अलग से लगाया गया है, पहले ये नहीं आता था बट अब ये लगा दिया गया है, ये देख सकते हो आप। इसमें आपको 3 स्पार्क प्लग मिल जाते हैं, पावर आपको अच्छी मिल जाती है, 6 गियरबॉक्स के साथ में आपको ये मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो, एक नीचे है बाकी ऊपर आपको मिल जाते हैं। ये टैंक है, 13 लीटर का आपको टैंक साइज मिल जाता है इसके अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए जा रहे हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी मैं आपको एक बार मीटर कंसोल दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, आपको अलग से लगवाना नहीं पड़ेगा, तो इसमें आपको यहाँ चार्जर मिल जाता है USB टाइप। यहाँ पे आपको ये इतना स्ट्रांग है, अगर आप आपको यहाँ पे आपको लगवाना है आपका, आप जैसे अपना फ़ोन वगैरह लगाना चाहते हो या आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आप उसके लिए कुछ कैमरा स्टैंड वगैरह लगाना चाहते हो लगा सकते हो इजीली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है और अभी चला के भी आ रहा हूँ, तो जो कंपनी है बिल्ड क्वालिटी में पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। बाकी एक बार साउंड तो चला दो ऑन करके, सो गाइज आ चुके हैं हम अभी दोबारे बजाज के शोरूम में, और यहाँ पे ग्रीन कलर में डोमिनार है ये, देख सकते हो आप। सो ग्रीन कलर में काफ़ी ज़्यादा जो है अग्रेसिव लग रही है इस टाइम, और जो है जो कंपनी ने चेंजेस किए हैं उसके बाद तो मतलब क्लियर ही है बिल्कुल, कलर वाइज काफ़ी ज़्यादा है, ग्लॉसी कलर है, और बाकी जो कंपनी ने चेंजेस किए हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, अग्रेसिव लुक है बाइक का, और ये बिल्कुल रेडी है मतलब जाने के लिए, लेह लद्दाख आप जाना है, आपको ट्रिप जाना है, लॉन्ग टूर पे आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल रेडी है। सेटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, मैंने चला के देखी है लॉन्ग टर्म में भी, और अभी इसको राइड पे भी लेके गया था, तो सेटिंग प्लेन के लिए भी सेटिंग काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी अच्छी जो है आप लॉन्ग टर्म चलाओगे आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी, बिकॉज सेटिंग काफ़ी अच्छी है।
टैंक की बात करें 13 लीटर का टैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो काफ़ी मतलब लॉन्ग, अगर आप एक बार में फुल कराना चाहते हो तो फुल करा के आप जा सकते हो। मीटर कंसोल में काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजेस आप इस इन्होंने करे हैं अभी। लाइक अगर जैसे जो नीचे आपको ये कंसोल दिख रहा है जिसमें आपको गियर की पोजीशन, कितने किलोमीटर है, ट्रिप वन ट्रिप टू इन्फो वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सेम चीज़ है आपका जो मेन कंसोल है उस पर आपको, आप कर सकते हो स्विच। आपको कुछ चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया ट्रिप वन पे, अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें आपको, जैसे कि साइड स्टैंड लगा हुआ है तो स्टैंड है, रिफिल अगर आपको करवाना है तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से अगर आप चेंज करोगे तो वहाँ पे आपको जो कितने किलोमीटर चली है अभी, उसके अलावा यहाँ पे आपको कितने किलोमीटर अभी चल चुकी है, कितनी एवरेज एरिया पर किलोमीटर में, आपको किस किस इको मोड पे चलाने पे गियर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, किस गियर पे अभी ये चल रही है बाइक। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। बाकी कंपनी ने जो चीज़ें ऐड करी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं है गाइस, सिर्फ 8 से 8,000 रुपये ऐड हुए हैं। तो अगर आप इस प्राइस पे अगर बाइक प्लान करे थे लेने के लिए तो बिल्कुल जा सकते हो यार, काफ़ी अच्छी डील है। 2,60,000 के अंदर तो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं मार्केट के अंदर। 400 cc की बाइक है। बाकी अगर हम इसकी पावर की बात करें तो आपको 40 PS की यहाँ पे आपको इसकी पावर मिल जाती है 8,650 RPM पे, और अगर हम इसके न्यूटन मीटर की बात करें तो आपको 35 न्यूटन मीटर मिल जाता है 7,000 RPM पे। 6 गेयर बॉक्स के साथ में आपको ये मिलती है, 6 स्पीड आपको गेयर बॉक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। वो एक यार चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और सपोर्ट करो यार फटाफट से, बिकॉज़ वीडियो अब कंटिन्यू आएंगी। एंड जल्दी जल्दी आओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।